अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। चलो तो देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं दो चार। हाउ टू नो स्लिप डिस्क और लोअर बैक मसल सोरनेस आफ्टर रिलीज। हाउ टू नो स्लिप डिस्क, स्लिप डिस्क देखने का एक ही तरीका है दोस्त, एक्सरे एमआरआई। एक्सरे एमआरआई के बगैर आपको, बल्कि एमआरआई के बगैर स्लिप डिस्क देखना मुश्किल है। एक्सरे में आपको डिस्क, मतलब दो डिस्क के बीच का गैप बड़ा तो नहीं हो गया वो दिखता है, तो आइडिया आ जाता है, उसके बगैर नहीं। डेड लिफ्ट बहुत खतरनाक और बहुत ही अच्छी, बहुत ही जोरदार, बहुत ही जरूरी एक्सरसाइज है, लेकिन वो आपका नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि डेडलिफ्ट को कम वेट में उठा के करो, बहुत आसान है। बताऊंगा मैं अभी थोड़े दिनों में, एक आएगा हमारा उस पर भी एक्सरसाइज पे सीरीज, ढूंढ रहा हूं मैं कुछ अच्छी जगह। एक्चुअली मुझे जिम जाने का वक्त नहीं मिलता तो मैं घर पे एक्सरसाइज करता हूं। मेरे घर पे जो एक्सरसाइज करता हूं वो थोड़ा सा एरिया ऐसा है बैक में, जैसे वो थोड़ा सा होता है ना बरांडा है नॉल, उसी में वॉशिंग मशीन, उसी में सब, उसी में जिम। सो इट्स नॉट सो मच कि मैं उसे लाइव दिखाऊं। एनीवेज, ग्लूटामिन प्री वर्कआउट नॉट नीडेड, नॉट नीडेड। एम ही वो तो कुछ भी कुछ पिला देंगे आपको, खिला देंगे। देखिए प्री वर्कआउट में तो अमाइनो एसिड्स आपके अंदर उसी समय यूज नहीं होते, तो ग्लूटामिन हो या कोई भी हो क्या फायदा होगा उसका, राइट? अच्छा जी, दादाजी 90 साल के हैं, क्या वो प्रोटीन बिल्कुल ले सकते हैं? मैं तो बोलूंगा दीजिए, मैं अपने दादाजी को देता था, मैं अपने सबको, मतलब प्रोटीन इतना जरूरी है कि पूछो मत, वो खाना नहीं खा पाते यार उस उम्र में। उस उम्र में लोग खाना नहीं खा पाते तो आप उनको प्रोटीन कैसे दोगे? बल्कि उनको प्रोटीन दो, उनको तो आप कॉन्सेंट्रेट भी दे सकते हो, बिकॉज कॉन्सेंट्रेट में आपका प्रोटीन और वे और क्या नाम है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ऑलमोस्ट खाने की जितनी जितनी खाने में खाना चाहिए। तो उनको दिन में दो बार वे या तीन बार वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट अगर आपने दूध में किसी में डाल के दे दिया, उनका खाने की रिक्वायरमेंट पूरी, समझ रहे हो? क्योंकि उस उम्र में टेस्ट बड्स मर जाते हैं, टेस्ट बड्स मर जाएंगे तो खाना खाने का मन नहीं करता, सो खाते ही नहीं है, खाते नहीं तो कमजोरी, मसल लॉस, चल नहीं पाएंगे, बैठे रहेंगे, बीमारी होगी, है कि नहीं? सो सोनू कुमार जी, वेट लॉस करना चाहता हूँ बट मुझे हेपेटाइटिस बी है, तो क्या हाई प्रोटीन डाइट ले सकता हूँ, होगी ठीक होगी? गुड क्वेश्चन। देखिए हेपेटाइटिस बी के बारे में थोड़ा सी बात बता दूँ, हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, ठीक है, ये है क्या? ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन आपके शरीर में जाता है और आपके शरीर में यानी क्षमता है उसे मारने की। प्रॉब्लम है कि 80% लोग बल्कि उस वायरस को मार देंगे। इवन टीबी का बैक्टीरिया भी जो जाता है, अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हर एक इंसान के अंदर टीबी का बैक्टीरिया कभी ना कभी गया है। लेकिन क्या सबको टीबी होता है? नहीं होता, क्योंकि जिसकी अच्छी रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो उसको मार देगा, कमजोर लोग, वीक लोग को वो हावी हो जाएगा। वैसे हेपेटाइटिस का बैक्टीरिया 20-25-30% लोगों में वायरस जो है आपके लिवर को डैमेज करता है। और ये डिपेंड करता है आप प्रोटीन कितना ले सकते हो, नहीं कि आपका लिवर कितना डैमेज हुआ, ये नहीं फर्क पड़ता। वो हेपेटाइटिस से डैमेज हुआ कि दारू पीने से डैमेज हुआ कि वो फैटी से डैमेज हुआ, ये फर्क पड़ता है लिवर कितना डैमेज हुआ, राइट? सो लिवर फंक्शन से नहीं पता चलेगा। लिवर आप करिए, एक तो वायरल टाइटर करिए, वायरल टाइटर बहुत ज़्यादा है तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रोटीन मत खाइए, क्योंकि आप अपने ऑलरेडी लिवर पे लोड है, उसको और थोड़ा सा लोड मत दो, ऑलरेडी ले सकता है। तो आप मिनिमम प्रोटीन खाओ, मिनिमम का मतलब है 1 ग्राम पर kg, 1 ग्राम 1.2 ग्राम पर kg खाओ, उतना बहुत है, उससे भी बॉडी बनेगी, 10 दिन की जगह 15 दिन में बनेगी, बात समझ रहे हो, पर बनेगी। सो दैट्स द आइडिया। फिर आई हैव ग्रेड टू फैटी लिवर, कैन आई टेक वे प्रोटीन? यू कैन टेक, जैसा अभी बताया, थोड़ा सा अपना वजन कम करो, प्रोटीन में प्रॉब्लम नहीं है, वजन कम करो वो ठीक होगा फैटी लिवर। स्क्रोटम पे क्या है? पेन है स्क्रोटम पे, क्यों हुआ पेन भाई साहब? दर्द मतलब चोट वोट तो नहीं लगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इन्फेक्शन तो नहीं है, सूजन तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है? अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हो, CBC करा से देख सकते हो कि कारण क्या है। इन्फेक्टिव है तो एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, सिंपल, मतलब कई बार अंदर टॉर्जन हो जाता है, कई बार टॉर्जन है तो वो अल्ट्रासाउंड से देखो क्या पेन कर रहा है, क्यों पेन कर रहा है। जब तक कारण नहीं पता तो क्या दवा, दर्द की दवा कोई इलाज नहीं है, ठीक है।
जब बीपी 100 से 140 रहता है, क्या सर? बीपी 100 से 140 रहता है, सारे चेकअप नॉर्मल है, तो 100 से 140 तो क्या मतलब, ये तो नॉर्मल रेंज बता दिया आपने, 100 तो नहीं बट 90 से 130 तक बीपी नॉर्मल रहता है, सिस्टोलिक बीपी ऊपर वाला. सो 90 से 130 में हमेशा रह रहा है, दिस इज द नॉर्मल रेंज. 140 तक कभी कभी जा रहा है, वो भी चल जाएगा. हमेशा हमेशा 130 के ऊपर रह रहा है तो आपको चेकअप करना है कि आपके क्या कारण है, क्या कमी है, क्या सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं, क्या दिक्कत है कि आपका बीपी ज़्यादा है. और कभी भी बीपी चेक करते हो ना, एक बार मत करना, एक बार मत करना, ऊपर ले जाना फिर, मतलब मैनुअल कर रहे हो तो ऊपर ले जाना, फिर नहीं तो 3-4 बार करो. आप देखोगे हर बार बीपी थोड़ा थोड़ा अलग आ रहा है, बल्कि चौथी बार बीपी कम हो जाएगा आपका काफ़ी. 95% लोगों का चौथी बार बीपी हो जाएगा कम, और आपको तब पता चलेगा कि आपका बीपी सिर्फ एंग्जाइटी की वजह से बढ़ा हुआ था, बीपी था ही नहीं आपको. एक तो यार ये एनीवे शर्ट थोड़ी सी हमने टाइट ले ली है, टाइट भी नहीं है क्या, लो बॉडी बॉडी बनाने लग गए अब ज़्यादा ही. वे प्रोटीन पानी में लेना चाहिए या मिल्क में फॉर बॉडी बिल्डिंग? दोनों अलग चीज़ें हैं. अलग का मतलब वे प्रोटीन खा रहे हो कि मेरे को सिर्फ वे प्रोटीन लेना है तो वे प्रोटीन लो. अब अगर आप, मेरे हिसाब से दूध में लेना बेस्ट है, क्योंकि आप दूध में ले रहे हो आप एक्चुअली और प्रोटीन डाल रहे हो उसमें, और स्लो एब्जॉर्प्शन उसका थोड़ा स्लो कर रहे हो और कुछ नहीं. सो प्रॉब्लम इज मेरे हिसाब से वे प्रोटीन आइसोलेट का तो कोई, सॉरी वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज जो हाइड्रोलाइज्ड होता है उसका एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है. वो इट्स नॉट यूजलेस, बट वो ऐसा है कि उसको इतना ज़्यादा प्रोसेस किया गया है कि उसमें से बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल के सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड प्रोटीन हो, तो उसमें क्या है, इट्स नॉट सो हेल्दी एज कम्पेयर टू आइसोलेट. आइसोलेट इज मोर हेल्दी, हेल्दी इन द सेंस उसमें और न्यूट्रिशंस भी, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हाइड्रोलाइज में नहीं है, और आइसोलेट इज बेटर देन हाइड्रोलाइज. सो सेम वे अगर आप बोलोगे कि दूध लेना है कि नहीं लेना, तो दूध डाल के ले रहे हो तो दूध पानी से तो अच्छा ही है यार, तो दूध तो ले सकते हो. नहीं सॉल्ट इन प्री वर्कआउट फॉर पंप ना है, किसने बोला सॉल्ट कहाँ से आ गया इसमें? सॉल्ट तो बल्कि वाटर रिटेंशन आपका बढ़ा देगा, इट्स नॉट गुड. बल्कि आपकी बॉडी और ज़्यादा स्वेट नहीं होगी, आपकी बॉडी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, आपको स्किन में हीट और स्किन में ट्रॉमाज हो सकते हैं. सोचिए अगर आपकी एक तरफ आपने ब्लड के अंदर सॉल्ट बढ़ा दिया, सॉल्ट क्या करता है खून में जाएगा और खून के अंदर और पानी खींच लेगा. उस समय आपके पानी को, मसल को पानी की ज़रूरत है, क्योंकि मसल के अंदर प्रोसेस हो रहा है, मसल के अंदर सारा आपके एनर्जी बन रही है, फैट्स बर्न हो रहे हैं, क्योंकि मेन एनर्जी आपको फैट्स से मिलती है एक्चुअली में. वो कार्बोहाइड्रेट वाली एनर्जी कुछ देर के लिए रहती है, कुछ देर में ख़त्म हो जाती है मसल के अंदर जो होती है. मेन एनर्जी फैट कार्बोहाइड्रेट उनसे मिलती है, तो वहाँ पर वो ये सब प्रोसेस करने के लिए पानी तो चाहिए. तो पानी आप थोड़ा उधर खींच लोगे, फिर आपकी स्किन गर्म हो रही है, गर्मी आ रही है, पसीना ही नहीं आएगा, आपकी बॉडी ठंडी करने के लिए कम आएगा. सो आपकी बॉडी में इंटरनल अलग से वो इट्स नॉट गुड, डैमेज होगा, समझ रहे हो. सॉल्ट इज नॉट गुड फॉर प्री वर्कआउट. कपिंग थेरेपी के बारे में आपके क्या एडवाइस है? आई डोंट थिंक कपिंग थेरेपी वर्क्स बेटर देन मसाज, इट्स अ मसाज. ठीक है, हाँ वो जो काला काला खून निकाल लेते हैं, आई मीन सीरियसली, आप कहीं से भी कोई भी इस तरह से अपने बॉडी से टॉक्सिन वॉक्सिन नहीं निकाल सकते. सो उसके कोई लॉजिक नहीं है. ऑल दो राइट, अगर मैं बोलूं कि कपिंग थेरेपी से क्या फायदा, कुछ फ़ायदा मिलेगा? जीरो. नथिंग वाले को कपिंग थेरेपी में फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि भाई कुछ तो हो रहा है, मसाज तो हो रहा है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो आएगा, रिलैक्सेशन तो मिलेगा. दैट इट्सेल्फ रिलैक्सेशन, साइकोलॉजिकल मसाज इट्सेल्फ गिव्स अ बिग रिलीफ राइट. अगर आपको सिंपल मसाज वाला कहता है मैं ठीक कर देता हूँ राइट, अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा, वो बॉडी बिल्डर बहुत फेमस है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन उन्होंने एक क्या किया, कह रहे कि 10 मिनट में आपके पीठ का दर्द, ये दर्द, वो दर्द सब ठीक कर देंगे. तो उन्होंने क्या किया, एक टॉवल लिया, गर्म पानी में उसको निचोड़ा, टॉवल को गर्म पानी में लिया और एक जिम वाले को लिटा के बढ़िया उसके पीठ पे रख दिया टॉवल. मैं कहा चलो बढ़िया, पर उससे वो दर्द, देखिए आपको दर्द अगर हो रहा है पीठ में, जॉइंट में आपको दर्द हो रहा है, या तो मसल क्रैम्प से हो रहा है, या तो आपको बोन में, जॉइंट में, टेंडन में इंजरी हुई है. अगर तो मसल क्रैम्प से हो रहा है तब तो वो ठीक है, वो गर्म गर्म बिकॉज मसल रिलैक्स करेगा, नथिंग एल्स. गर्म हीट क्या करती है? मसल रिलैक्स करती है कि नहीं? वही स्टीम क्या करेगी? मसल रिलैक्स करेगी. वही गर्म हीट मसल रिलैक्स करेगी.
ठंडा पानी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो वहाँ गर्म कभी मत लगाना, क्योंकि जॉइंट पेन इज मोर लाइकली टू बी ट्रॉमेटिक। वो होता है इंजरी से। इंजरी पे गर्म लगाओगे, इंजरी में ऑलरेडी इन्फ्लामेशन है, वहाँ और सूजन हो सकती है। जॉइंट पे लगाते हैं बर्फ ठंडा, मसल पे लगाते हैं, नॉर्मली गर्म नहीं लगाते क्वाइट फ्रैंकली। अगर मसल वो है कॉन्ट्रैक्टेड तो गर्म लगा सकते, वरना नहीं। बहुत वो इसलिए आधी नॉलेज हमेशा, हर बंदा गर्म लगाने लगे गड़बड़ कर देगा ना यार। सो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमेशा काम करेगी। हो सकता है 10 लोगों में काम करे, 10 में ना करे। सो ये नॉलेज है, आपको अगर पूरा नहीं पता तो गड़बड़ है, नहीं पता तो वो है। एनीवेज एक ही क्वेश्चन पे इतना नहीं। डॉक्टर ने बोला किडनी खराब हो गई वे प्रोटीन से, क्या वे प्रोटीन से? दादाजी की एज काफ़ी है ना इसीलिए? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई किडनी नहीं खराब होती वे प्रोटीन से। हाँ ऐसा नहीं कि, देखिए आज के डेट में यार मिलावट बहुत है, तो हम आपको ये बोलेंगे कि प्रोटीन खिलाना ज़रूरी है। आप उनको वे प्रोटीन खिलाओ, चिकन सूप खिलाओ, मटन खिलाओ, अगर वेज नहीं खाते, नॉन वेज नहीं खाते हैं तो वे क्या नाम है पीनट बटर खिलाओ, कुछ ना कुछ हाई प्रोटीन देना है। मेरे हिसाब से वे प्रोटीन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर आपकी किस्मत ख़राब है और किसी मतलब आपको गलत वे प्रोटीन उसमें कुछ उल्टा सीधी दवा डाल के, क्योंकि आजकल ये पता नहीं क्या हो गया लोगों को, वे प्रोटीन में स्टीरोइड्स ये वो भर भर के वो डाल के आपको दे देते हैं कि आपको रिजल्ट मिले। अच्छा व्हाट डू यू थिंक ट्राइगर स्ट्रॉफ टेक स्टीरोइड? आई डोंट नो यार, मे बी नॉट, हु नोज। सी नॉट एवरीबडी टेक्स स्टीरोइड क्वाइट फ्रैंकली, एंड नॉट एवरीबडी नीड्स स्टीरोइड्स। सो इवन मैनी गुड अच्छे जो बॉडी बिल्डर्स हैं, बोलोगे जॉन एवरैन ने स्टीरोइड लिया होगा क्या? मुझे क्या पता यार, पर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट लिया होगा तो भी खराब है, नहीं लिया होगा तो होगा क्या? बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एटॉपिक डर्मेटाइटिस। अच्छा इस पर क्वेश्चन आया कि लोग एटोपिक डर्मेटाइटिस पे बताता हूँ, लेकिन लोग ऐसी क्वेश्चन ऐसी वीडियो बना रहे हैं। कभी कभी मैंने भी सोचा था कि मैं वीडियो बनाता हूँ, ये उसका राज, उसने ये करा उसका राज, कहानी क्या राज। एनीवेज छोड़ो, मैंने सोचा यही ठीक है, अपना अपना नॉलेज ही चलने दो, राज राज नहीं खोलते किसी के, पता ही नहीं है हमें उठा के किसी के बारे में क्यों। एटोपिक डर्मेटाइटिस इज सफरिंग फ्रॉम 1 ईयर। सी एटोपिक डर्मेटाइटिस बेसिकली इज एक्जिमा, इज बेसिक अर्टिकेरिया इन बेसिक एलर्जी, बेसिक एलर्जी। एलर्जी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपकी स्किन में घपा घप एलर्जी वाले जो केमिकल्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं और आपको खुजली से देख के लाल दाने तक आ सकते हैं। दो ही इलाज हैं उसके मेरे दोस्त, एक सबसे बड़ा इलाज है उन चीज़ों से दूर रहना, और दूसरा इलाज है मॉइस्चराइज़र। पता नहीं आपको आज तक बताया किसी ने, नहीं बताया, लेकिन आपके और उस आपकी स्किन के अंदर जो एलर्जिक स्पॉट है और उस एलर्जन से जो आपको बचा रहा है वो है आपके स्किन के अंदर का पानी। आपके स्किन के अंदर अगर पानी रहेगा तो वो एलर्जन आपको एलर्जी नहीं करेगा। तो जितना आप मॉइस्चराइज रहोगे उतना बेटर रहेगा। क्यों मुझे, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे को भी थोड़ा सा एटोपिक डर्मेटाइटिस बताया गया, सो मैं भी पाउडर नहीं लगाते अब उसमें, सिर्फ मॉइस्चराइजर, राइट, बार सोप छोड़ के लिक्विड सोप। सो डू दीज थिंग्स, मॉइस्चराइज योर स्किन एज मच एज यू कैन, पानी पियो जितना मर्जी, आप देखोगे इसमें फायदा मिलेगा। ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो पता नहीं होते लोगों को, राइट। चलो हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। अच्छा ये बताओ, ये सेव होता है क्या, ये मतलब ये लाइव उड़ जाएगा क्या, होता है इसका मतलब? पता नहीं मुझे इसका क्या, पता चल जाएगा। दलजीत जी, आई कैन नॉट गिव माई नंबर लाइक दिस, मेरा खुद का आप समझ सकते हो, फिर एक बार नंबर दे दिया तो क्या होता है, दुनिया भर में फ़ोन ही फ़ोन आते। हाँ इफ़ एवरीबडी एनीबडी वांट्स टू कनेक्ट टू मी, आप आइए मिलिए, या ऑनलाइन आप liberate.com पे जाइए, वहाँ से कंसल्ट करिए, राइट, इट वुड बी बेटर, है ना, liberate पे। प्रैक्टो से पता नहीं करने के लिए कुछ लिंक था गायब हो गया। वाइब्रेशन इन लेफ्ट साइड स्टमक, वॉट इज द रीज़न? हंगर क्रैम्प्स, वन ऑफ द बेसिक रीज़न, वाइब्रेशन, स्टमक कभी कभी ऐसे करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, कुछ है ही नहीं यार, कुछ मिल क्यों नहीं रहा उसको, स्टमक, वन हंगर क्रैम्प इज वन ऑफ द रीज़न। 5-6 लीटर पानी इज सेफ, नो वरीज, पी सकते हो, हाँ, अनलेस एंड अंटिल आपको किडनी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज किडनी की बीमारी प्रिवेंट करने का तरीका है पानी ज़्यादा पीना, लेकिन एक बार किडनी प्रॉब्लम हो गई फिर उसमें जैसे कि एक छानी है, छानी पे ठीक से ज़्यादा पानी डालोगे तो बंद नहीं होगी, लेकिन एक बंद छानी पे फिर खपा खप चाय डाल दोगे तो ऊपर से ओवरफ्लो हो जाती है ना, वैसी बात है, समझ रहे हो?
तो किडनी के ऊपर ऐसी चीज होती है। एड्रेस तो मेरा एड्रेस मेरा सब कुछ आप यूट्यूब चैनल पे जाइए डॉक्टर एजुकेशन, उस पर डिस्क्रिप्शन में मेरे मुझे कांटेक्ट करने का तरीका एड्रेस और सब दी क्लिनिक एड्रेस सब दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ओके okay?